जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र कवि राहुल नागपाल आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में और महत्वपूर्ण विषय के साथ में आपके सामने मौजूद हूँ। विषय यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बड़ा सम्मानित संवैधानिक पद है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक राजस्थान के कोटा में अखिल ब्राह्मण सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और उसने इसके लिए तपस्या, तप और त्याग किया है। ओम बिरला ने कहा कि ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक है। हालांकि ये उनका राजनीतिक क्षेत्र है, यहाँ से वो सांसद हैं और पहले पूर्व में साउथ कोटा से 3 बार विधायक भी रहे बीजेपी के टिकट पर। इसका उनको इनाम भी खूब मिला, उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। अब यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि उन्होंने ये बात कही क्यों। मेरा अपना ऐसा मानना है कि उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि जो भारत की संस्कृति है, जो जातीय ताना वाना है, जो जातीय ढांचा है और जो ब्राह्मणवाद सिखाता है, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। दूसरी चीज़, एक बात और यहाँ स्पष्ट रूप से निकल करके आती है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब मेरा प्रश्न उनसे ये है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है ये बात उनसे कही किसने, या ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनाया किसने? तो ब्राह्मण ने खुद अपने आप को श्रेष्ठ बनाया, कोई कंपटीशन तो हुआ नहीं है, कोई रेस तो लगी नहीं है, किसी ने कॉपियाँ तो जाँची नहीं है, उनको श्रेष्ठ किसने बनाया? उनके हाथ में कलम थी, उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया। अगर कलम मेरे हाथ में होती तो मैं सूत्रों को श्रेष्ठ बनाता, मैं अछूतों को श्रेष्ठ बनाता। अगर कलम अछूतों के हाथ में होती तो अछूत अपने आप को श्रेष्ठ बना बताते। चूँकि कलम ही ब्राह्मण के हाथ में थी, वही कॉपी जांचने वाले थे, तो उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। अब एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि मेरिट में विश्वास करो और दूसरी तरफ खुद ही अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। जब हम जाति के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं और जो जाति के आधार पर आरक्षण इस मुल्क के अंदर दिया जा रहा संवैधानिक तरीके से, उसका ये विरोध करते हैं, लेकिन जाति के आधार पर इनको सम्मान चाहिए, जाति के आधार पर इनको दान और दक्षिणा चाहिए। ये एक तरफ जाति के आधार पर विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या नाम है, मेरिट की बात करते हो, दूसरी तरफ खुद अपने आप को कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे जो है वो आप मान सम्मान दें, मेरी इज्जत करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरा यहाँ सवाल ओम बिरला जी से ये है कि आप संवैधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार की बात कैसे कर सकते हैं? आपने ये बात कही है, इससे साफ उजागर होता है कि आपकी जो मानसिकता है वो जातिवादी है, वो मनुवादी है, वो गैर संवैधानिक है, वो गैर समतामूलक है, गैर समतावादी है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप जैसे व्यक्ति को इतने बड़े उच्च पद पर बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच जातिवादी हो, उसको संविधान के इतने बड़े पद पर नहीं होना चाहिए और आपको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, वो जहां से भी लड़े, जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताता हो, जो मनुस्मृति में विश्वास करता हो, जो भारतीय संविधान की समतामूलक समाज की धारणा पर विश्वास ना करता हो, जो भारतीय संविधान के प्रियम्बल हम भारत के लोग पर विश्वास ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को किसी भी चुनाव में वोट नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति देश की राजनीति के लिए, देश की समानता के लिए, देश की अखंडता के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आप इस वीडियो को, ओम बिरला जी, मेरा पुनः आपसे कहना है कि आपने जो विवादित बयान दिया है, ये देश की अखंडता, संविधान के लिए खतरनाक है। तो आपको पुनः मानवता अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर है, भारतीय संविधान में 1% भी अगर आप विश्वास करते हैं, तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें और बताएं कि मुझसे गवर माफ़ी, पहले तो माफ़ी मांगें, इस पर माफ़ी मांगें कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि ये जो आपका बयान है ये भारतीय संविधान के खिलाफ है, ये बयान आपका मनुस्मृति, मनु सोच को दर्शाता है। तो आप लोग, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो इनका ओम बिरला जी के इस बयान का पुरजोर विरोध करें और ऐसे लोगों को किसी भी हालत में लोकसभा या अन्य किसी राज्यसभा विधानसभा में जीतकर नहीं जाना चाहिए। ये लोग हमारे संविधान के लिए, हमारी एकता, हमारी अखंडता के लिए नुकसानदायक।